सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है रीजनिंग का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इनइक्वालिटी। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आप जो है जिस प्रकार सहयोग कर रहे हैं इसी प्रकार आप लोग सहयोग करते रहिए और निश्चित ही एक दिन हम लोग सबसे बड़े परिवार के रूप में उभर कर सामने आएंगे। और आप लोग अपना प्रेम और स्नेह बनाते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपको हमारे इस चैनल पर हर चीज मिलेगी, हर विषय से संबंधित चीजें मिलेंगी। ये क्रम हमारा रहेगा कि हम आपको किस प्रकार से अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। हम आपको अपने इस चैनल पर ना केवल क्लास की ही चीजें देते हैं बल्कि एक्स्ट्रा ज्ञान भी देते हैं। स्पेशल नॉलेज में हमने अभी पिछली बार चर्चा की थी महाराणा प्रताप जी के बारे में, और लगातार इसी तरह आपको जो है नॉलेज स्पेशल में एक से एक पॉइंट कराया जाएगा। और बाकी आपकी रीजनिंग चल रही है, उधर अनुराग सर का बाल विकास चल रहा है और निखिल सर का क्लास 12th की भी चल रही है सारी क्लासेस। तो अगर आप शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और लोगों से सब्सक्राइब करवाते रहेंगे तो निश्चित ही आपको इस चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी क्रम में आगे की चर्चा करेंगे जो कि है आज का चैप्टर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में देखिए कोई भी परीक्षा आप दीजिए दो या तीन क्वेश्चन बनता है। एसएससी की बात की जाए तो उसमें केवल एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। वहीं बैंक की बात की जाए तो बैंक में तीन से लेकर के चार क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन तक रहते हैं। देखिए इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, असमानता। तो इनइक्वालिटी में दो चीजें पढ़ने को मिलती हैं, एक तो हमको सैंपल से पढ़ने को मिलता है, एक हमको सैंपल से पढ़ने को मिलता है और एक हमको जो है स्टेटमेंट से पढ़ने को मिलता है। स्टेटमेंट का मतलब जैसे कह दिया गया कि राम जो है सीता से बड़ा है लेकिन मोनिका से छोटा है, मोनिका अमरेंद्र से बड़ी है लेकिन दिनेश से छोटी है। एक तो आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा इनइक्वालिटी में, एक मिलेगा कि डायरेक्ट दे दिया जाए A is greater or equal to B is equal to C is greater or D, तो इसमें बता दिया गया कि A is greater than D, क्या ये सही है या फिर गलत है, इस तरह का एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनइक्वालिटी में ये दो नियम हमको पढ़ना है और ये दोनों नियम आज हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो निश्चित ही आज आपका इनइक्वालिटी चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा इनइक्वालिटी का जो कि आप ना सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी चैप्टर। और इनइक्वालिटी चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थात इसकी ट्रिक क्या है। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे वहां पे हमने लिखा है इज ग्रेटर आर इक्वल टू बराबर, इज लेस आर इक्वल टू। ये हमारे बड़े भैया हैं, ये हमारे बड़ी भाभी हैं, ये हमारे छोटे भैया हैं और ये हमारी छोटी भाभी हैं और ये हमारा नौकर है। मतलब कि एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि इनइक्वालिटी में दो प्रकार की फैमिली होती है, दो प्रकार का परिवार होता है। एक परिवार ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये है, और एक परिवार आपको नीचे वाला दिख रहा है ये है। एक चीज और याद रखिएगा कि ये दोनों परिवार एक समय था कि दोनों बहुत करीबी थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कहते हैं कि गलत फहमी इंसान को अलग कर देती है, गलत फहमी इंसान के रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती है। तो इसलिए किसी भी रिश्ते में गलत फहमी बता दे दीजिएगा। तो चलिए आज हम उसी क्रम में आगे देखते हैं कि अर्थात इन दोनों भाइयों में ऐसी गलत फहमी आ गई कि इन दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया ना कि अगर ये आएंगे तो ये नहीं आएंगे, अगर ये आएंगे तो ये नहीं आएंगे, या फिर ये आएंगी तो ये नहीं आएंगी। मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर ये दिख गए तो वहां पर ये नहीं मिलेंगे। मतलब कि ऐसा संबंध हो गया दोनों लोगों में कि अगर किसी के यहां ये निमंत्रण में जाएंगे तो ये नहीं जाएंगे।
और अगर किसी के यहाँ ये निमंत्रण ले जाएंगे तो ये नहीं जाएंगे, बस इतना आप समझिए। अर्थात कहीं पर अगर आपको ऐसा संबंध मिल जाए कि जहां पे ये दोनों मिलने लगे आपस में, तो समझ लीजिएगा कि वो स्टेटमेंट आपका गलत है। मतलब जैसे अगर कह दिया जाए A इज ग्रेटर देन B, इज ग्रेटर आर इक्वल टू C, इज लेस देन D, और कह दिया जाए कि A इज ग्रेटर देन D, बताइए कि ये सही है कि गलत है। अब केवल आप ये देखिए कि कहां से कहां तक जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम A से जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, D तक जा रहे हैं। तो A से D तक जाने में हमको कौन कौन मिला? हमको ये मिले, हमको ये मिले, हमको ये मिले, अर्थात तीन लोग मिल गए। अगर जो मिला है आपको उसको केवल एक जगह से कंपेरिजन करिए कि क्या वो इस फैमिली का है या वो इस फैमिली का है। तो देख रहे हैं हम कि ये दोनों तो इस फैमिली के हैं, लेकिन साथ में इस फैमिली का भी आ गया, अर्थात ये दोनों मिक्स हो गए, ये दोनों मिल गए। और अगर दोनों मिल जाएं तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा गलत का निशान लगा देना है कि अर्थात A इज ग्रेटर देन D गलत होगा। कुछ नहीं करना, कॉपी किताब उठाने की जरूरत नहीं है, केवल आप देख कर बता देंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे दिए रहेंगे और स्टेटमेंट ये दिए रहेंगे, डिस्कस में ये दे देंगे, एक पॉइंट और दे देंगे, एक और दो दे देंगे, और नीचे लिख देंगे कि ए और बी दोनों सही है, ए सही है बी गलत है, बी सही है ए गलत है, ए और बी दोनों गलत है। तो इसी तरह दे दिया जाएगा और आपको सिर्फ देखकर मात्र ज्यादा टाइम नहीं लगना, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर या 14 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि इसका हमने क्या बताया, पहला चीज हमने ये बताया कि दोनों परिवार कभी एक साथ नहीं दिखेगा। अगर दोनों परिवार एक साथ दिख जाए तो जान लीजिएगा कि गलत होगा। दूसरी चीज, अगर ये वाला परिवार दिख गया, अगर ये वाला परिवार दिख गया मतलब बड़े भैया दिख गए या बड़ी भाभी दिख गई या फिर बराबर दिख गया, तो सबसे पहले कहना किसका माना जाएगा, बड़े भैया का माना जाएगा। मतलब इस परिवार में जो कुछ भी होगा उसका निर्णय कौन लेंगे, बड़े भैया लेंगे। लेकिन अगर बड़े भैया नहीं है, अगर बड़े भैया नहीं है तो इस परिवार का जो निर्णय होगा वो कौन लेगा, वो बड़ी भाभी लेगी। मतलब कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर चाहिए हैं घर के मालिक का, तो घर के मालिक अगर बड़े भैया हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बड़े भैया नहीं हैं तो बड़े भैया का स्थान कौन लेगी, बड़ी भाभी लेगी। अब ये मत कहिएगा कि सर जी बड़ी भाभी ना हो तो क्या नौकर को स्थान दोगे क्या। तो चलिए, ये तो था हमारा पहली फैमिली के लिए। दूसरी फैमिली के लिए क्या है कि अगर कहीं छोटे भैया, छोटी भाभी या फिर नौकर है, तो कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा, छोटे भाई के पास होगा। लेकिन अगर छोटे भाई नहीं है तो निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा, छोटी भाभी के पास होगा। मतलब अगर किसी भी स्टेटमेंट में हमको ये तीन चित्र दिख गया, ये तीन सैंपल दिख गया, तो सही कौन सा होगा, पहला वाला सही। फिर अगर पहला वाला नहीं आता है, ये दोनों आता है, तो कौन सा सही होगा, दूसरा वाला सही होगा। तो ये चीज था आपका बेसिक स्टेटमेंट। चलते हैं जैसे हम चर्चा करते हैं एक प्रश्न पर। तब तक अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो। और ये चीज याद रखिएगा, जो हमारी इनामी क्विज चलेगी 1 तारीख से, उसमें हिस्सा जरूर लीजिएगा। अभी स्टार्टिंग में आपको आकर्षक उपहार दिए जाएंगे, लेकिन शीघ्र ही अर्थात लमसम 15 अगस्त के बाद से आपका ऑफर जो रहेगा, आपका जो इनाम रहेगा, वो मोबाइल फोन किया जा सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा कि क्या आप मोबाइल फोन लेना चाहते हैं। अगर हाँ तो फ्री में, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हमारे प्रश्नों के जवाब दीजिए,
लकी विनर बनिए, लकी विनर बनेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। तो 1 तारीख से चलने वाली सीरीज जरूर देखिए, जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, मोहित, आशीष, दीपा, पंकज, अमरेंद्र, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मानवेंद्र सर जी शेयर जरूर करेंगे, हाँ थैंक यू मानवेंद्र। आप लोग जो है इसी प्रकार अपने परिवार द स्पीड स्टडी से जुड़े रहिए, इसको शेयर करते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए और निश्चित ही एक न एक दिन आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं, और आपका प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न आपका रहेगा, प्रश्न में लगवाऊंगा नहीं, उस पर लिख दे रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं तो इसलिए उसका आपको पीपीटी की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन डी इज लेस देन ई इज लेस देन एफ। पहला दिया गया है कि एफ इज ग्रेटर देन ए, दूसरा दिया गया है ए इज ग्रेटर देन बी, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। दूसरा क्वेश्चन है P is less than Q is less than R is greater than P is equal to S is greater than X, और इसमें स्टेटमेंट जो दिया गया है वो दिया गया है Q is greater than P और दूसरा जो दिया गया है X is less than P। दो क्वेश्चन मैंने लिखा है और आशा करता हूं कि इन दो क्वेश्चन से आप ये पूरी इनक्वालिटी जो आपका सिंबल पर आधारित है वो सारा समझ जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा 5 अच्छे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बताऊंगा इसका और 2 या 3 4 क्वेश्चन बताऊंगा स्टेटमेंट का। तो आप हमारे साथ बने रहिए और शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, निश्चित ही आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए पहला अगर हम देखें, हमको बताना है जाना कहां से कहां तक है, यफ से ए तक जाना है और ये है आपका यफ, ये है आपका ए, अर्थात यहां से हम यहां आ रहे हैं। तो यहां से यहां आने में आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए इज ग्रेटर देन मिल रहा है, इज ग्रेटर देन मिल रहा है, उसके बाद फिर इज लेस आर इज इक्वल टू मिल रहा है, इज इक्वल टू मिल रहा है और इज ग्रेटर देन। अब देखिए हम देख रहे हैं कि जो परिवार है हमारा, एक मिनट रुकिएगा, तो हमने देखा यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे हमको दोनों फैमिली एक साथ मिल गई है, दोनों फैमिली एक साथ मिल गई है, अर्थात बड़े भैया बड़ी भाभी और छोटे भैया दोनों लोग एक साथ मिल गए। और जब मैंने बताया कि जिस परिवार में जिस स्टेटमेंट में ये दोनों लोग एक साथ मिल जाए, जान लीजिएगा कि वो गलत है, इसका मतलब पहला आपका गलत हो गया, पहला आपका गलत हो गया। दूसरे में चलते हैं और दूसरे में हमको जाना है ए से डी तक, ए से जाना है और कहां तक, डी तक, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर आर इज इक्वल टू डी। तो हम क्या देख रहे हैं, हमको क्या क्या मिला, इज ग्रेटर मिला, इक्वल मिला, इज ग्रेटर आर इज इक्वल मिला, अर्थात बड़े भैया नौकर बड़ी भाभी तीनों लोग मिल गए। तो हमने कहा कि जब तीनों लोग मिल जाएंगे तो प्रेफरेंस पहले वाले को दिया जाएगा, मतलब बड़े भैया को दिया जाएगा, इसका मतलब ए, यहां पे ए था आपका, यहां पे बी था आपका, यहां पे सी था आपका, तो हमने क्या देखा, यहां पे डी था आपका, तो हमने क्या देखा ए इज ग्रेटर देन डी हो जाएगा, अर्थात प्रेफरेंस एक नंबर को दी जाएगी। और यहां पर यही चीज लिखा हुआ है, अर्थात ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि कथन 2 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। किसी को कहीं भी समस्या आई हो तो बताइए। पहले वाले में हमने देखा कि दोनों परिवार मिल जा रहे हैं और अगर कहीं पर दोनों परिवार मिल जाएंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में हमने देखा कि यहां पे केवल पहला परिवार है, मतलब बड़े भैया का परिवार है, और अगर बड़े भैया का परिवार रहेगा तो वहां पे जो कहना माना जाएगा वो बड़े भैया का माना जाएगा, अर्थात ए इज ग्रेटर देन डी, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो आप अगर देखें तो मात्र 15 सेकंड के अंदर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है,
लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पहला क्यू इज ग्रेटर देन पी, मतलब क्यू से पी की तरफ जाना है। तो हमको तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि क्यू इज ग्रेटर देन पी लिखा हुआ है, अर्थात पहला वाला सही हो गया। दूसरे वाले में चलते हैं, यक्ष से पी तक आ रहे हैं, यक्ष से कहां तक आ रहे हैं, पी तक आ रहे हैं, मतलब इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए यक्ष से पी तक आएंगे तो हमको इज लेस इज इक्वल टू इज लेस इज ग्रेटर, उसके बाद फिर इज ग्रेटर। दूसरे वाले में हमको इतना मिल रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी यहां पे इज ग्रेटर है तो आप यहां पे इज लेस क्यों कर दिए, बच्चा ये देख रहे हैं हम कि ये उल्टा चल रहे हैं, अर्थात यक्ष से इधर आ रहे हैं, तो जब उल्टा चलेंगे तो ये चिन्ह भी तो उल्टा होता चला जाएगा, तो इसीलिए हमने ये चिन्ह उल्टा करता चला गया हूं। तो देख रहा हूं कि यहां पर आपको छोटे भैया मिल गए, नौकर मिल गया, छोटे भैया मिल गए, बड़े भैया मिल गए, बड़े भैया मिल गए, इसका मतलब दोनों परिवार मिल गए हैं, दोनों परिवार मिल गए हैं। और अगर दोनों परिवार मिल जाए तो आपको आंख बंद करके केवल गलत का निशान लगा देना है कि स्टेटमेंट केवल एक सही है, स्टेटमेंट केवल एक सही है। तो किसी को कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए। हेलो दीपक, पंकज, मुकेश, आशीष, दिलीप, देवेश, सबका नाम मैंने ले लिया, सबका नाम मैंने ले लिया। आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर नाम लेंगे आपका। पढ़ते टाइम पढ़ाई कीजिए और उसके बाद तो अपना ही समय है। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू डी इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू ई इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी और इज इक्वल टू एच। अब देखिए पहला कथन दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन एच, जी इज लेस आर इक्वल टू बी, डी इज इक्वल टू जी, ई इज लेस देन ए। हमको यही बताना है, पूरा इनइक्वालिटी समाप्त हो जाएगा इसी एक प्रश्न में, किसी एक प्रश्न में सिंबल वाली पूरी इनइक्वालिटी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे जो क्वेश्चन लगाए, इसके बाद आप चाहे जो क्वेश्चन लगाए। देख रहे हैं पहला, ए इज ग्रेटर देन एच, ए से जाना है, कहां तक जाना है, एच तक जाना है, और हमको क्या क्या मिल रहा है, इज ग्रेटर आर इक्वल टू इज इक्वल टू इज ग्रेटर आर इक्वल टू इज ग्रेटर आर इक्वल टू इज इक्वल टू इज ग्रेटर। अब हम देख रहे हैं कि बड़े भैया बड़ी भाभी नौकर, बड़ी भाभी बड़े भैया नौकर, एक मिनट, हाँ ठीक है, यही मिल रहा है, मतलब एक ही परिवार के लोग मिल रहे हैं, ये तो फिक्स हो गया। अगर एक ही परिवार के लोग मिलेंगे तो बड़े भैया मिल रहे हैं, इसका मतलब कि जहां से चल रहे हैं वहां से वहां के बीच में कौन सा निशान रहेगा बड़े भैया का, तो ए से चले यस तक गए, अर्थात ए इज ग्रेटर देन यच, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए। दूसरा, जी इज लेस आर इक्वल टू बी, जी से बी की तरफ जा रहे हैं, जी से बी की तरफ जा रहे हैं, और जी से बी की तरफ आते समय क्या क्या मिल रहा है, देखिए बराबर मिल रहा है, फिर इज लेस आर इक्वल टू मिल रहा है, देखिए उल्टा आ रहे हैं इसीलिए चिन्ह को उल्टा कर देंगे, फिर यहां पे इज लेस आर इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे इज लेस आर इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका जी है। अब हम देख क्या रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा परिवार मिल रहा है हमको, नौकर, छोटी भाभी और नौकर, मतलब कि यहाँ पर किसका चलेगा, छोटी भाभी का चलेगा, अर्थात जी लेस आर इक्वल टू बी, और देख रहे हैं कि यही चीज यहाँ पे है, अर्थात दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। किसी को कहीं भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट कीजिए। डी और जी के पास अगर चले तो डी और जी के पास अगर चलेंगे तो ये हम जा रहे हैं, तो देख रहे हैं बराबर इज ग्रेटर आर इक्वल टू जी, तो इसका मतलब बड़ी भाभी नौकर, तो जो कहना माना जाएगा वो बड़ी भाभी का माना जाएगा, अर्थात डी इज ग्रेटर आर इक्वल टू जी होगा। तो यहाँ पे
केवल इज इक्वल टू लिखा हुआ है, यह इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगर यही इज इक्वल टू की जहां पे इज ग्रेटर भी दिया गया होता तब सही हो जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल इज इक्वल टू है और यहाँ पे बड़ी भाभी मिल रही है हमको, इसलिए कहना जो माना जाएगा वो बड़ी भाभी का माना जाएगा। उसी तरह अगर हम ई से ए की तरफ चलें, ई से ए की तरफ चलें, तो देख रहे हैं ई से ए की तरफ जाएंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, इज लेस आर इक्वल टू, इज लेस आर इक्वल टू और इज लेस, इतना चीज हमको मिलेगा। क्योंकि उल्टा जा रहे हैं इसीलिए उल्टा करते चलेंगे, तो यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे हमारा ई है, तो अर्थात ए कहना किसका माना जाएगा, छोटे भैया का, तो ए इज लेस देन ई। और वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन ई, अर्थात ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइए, किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइए। ये चीज था आपका सैंपल से संबंधित। आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट से संबंधित रहेगा, स्टेटमेंट से संबंधित क्या रहेगा। जैसे प्रश्न में प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट से संबंधित क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है क्योंकि ये स्टेटमेंट है, कह रहा है एक कक्षा में एमी, देखिएगा एमी, बेला, सेरा, दिया, एम्मा और फिला, छह विद्यार्थी हैं। देखिए एक दो तीन चार पांच छह, छह विद्यार्थी हैं। एमी को हमने ए एम आई से लिखा है और एम्मा को हमने ए एम एम से लिखा है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या क्या कह रहा है। एम्मा और दिया एमी से छोटे हैं लेकिन फिला से भारी हैं। तो देखिए जब भी कभी भार और लंबाई दोनों चीज आ जाए तो आप एक चीज लीजिए, चाहे भार लीजिए चाहे लंबाई लीजिए। तो हम लंबाई ले रहे हैं क्योंकि आप स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको सब में लंबाई ही दिया गया है, ठीक। तो इसीलिए हम लंबाई लेंगे। तो कह रहा है एम्मा और दिया जो है एमी से छोटी है, तो एमी से छोटी है इसका मतलब एमी ये है। और क्या कह रहा है, एम्मा और दिया जो है, एम्मा और दिया, अब ये नहीं कह रहा कि एम्मा और दिया में कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसीलिए इसको दोनों का भी हमने बराबर कर दिया, फिर जो जैसा होगा वैसे बढ़ा देंगे एक लाइन, ठीक। देखिए फिर क्या कह रहा है कि सेरा एम्मा से भारी है और दिया से लंबी है, सेरा जो है वो एम्मा से भारी है और दिया से लंबी है। तो देखिए सेरा को जो है एम्मा से भारी और दिया से लंबी करना है, तो सेरा को एम्मा से भारी दिया से लंबी, अर्थात सेरा जो होगा वो या तो यहां पे हो सकता है और सेरा जो होगा वो या तो यहां पे हो सकता है। ये किसमें है, ये सस्पेंशन में है, अभी आप ऐसे लिख लीजिए। आगे पढ़िए, कह रहा है बेला जो है सेरा से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है, सेरा जो है, सेरा बेला जो है सेरा से छोटी है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया। कह रहा है सेरा एम, देखा क्या बोला, सेरा एमा से भारी है लेकिन दिया से लंबी है, तो इसको मैंने कर दिया सेरा या तो यहां होगा या तो यहां होगा। लेकिन अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि बेला जो है वो सेरा से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है, तो इसका मतलब बेला सेरा से छोटी और एमी से लंबी, तो एमी से लंबी है, तो एमी से लंबी है और सेरा से छोटी है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि सेरा यहां ना होकर के सेरा आपका यहां होगा, यहां पे कम होगा, यहां पे सेरा होगा। और तो इसमें जो कह रहा है स्टेटमेंट में कि बेला सेरा से छोटी है एमी से लंबी, तो एमी से लंबी और सेरा से छोटी, अर्थात बेला आपकी यहां पर हो जाएगी, बेला एमी से बड़ी है और सेरा से छोटी है, मतलब बेला यहां हो जाएगी, एमी आपकी यहां हो जाएगी। बचा कौन, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, एमी सेरा से भारी है, तो भारी का कोई मतलब नहीं है। फिर आगे कह रहा है फिला बेला से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है, फिला फिला जो है बेला से छोटी है, बेला से छोटी है और एमी से लंबी है, एमी से लंबी है, इसका मतलब फिला जो होगी आपकी यहां पे होगी और एमी आपकी
यहां पर रुकी, ठीक। तो ये कौन है आपकी, ये है आपकी फिला। तो सबको हमने बैठा दिया और यहां पे क्या है, रुक जाइएगा, यहां पे आपकी है ए बी। तो सबको हमने बैठा दिया, देखिए तीन और तीन छह, छह लोगों को हमने बैठा दिया। तो ये चीज था जो कि आपको अरेंज करना था, तो सारी चीजें हमने कर दिया। अब इसमें इनके दोनों के विषय में नहीं है कि कौन लंबा है कौन छोटा है, इसीलिए इनको दोनों को हमने बराबर कर दिया है। कहीं किसी को समस्या हो तो कमेंट करिए, तुरंत हम उसको बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, कह रहा है कि योगेश अल्पेश से लंबा है, रुक जाइएगा, कह रहा है योगेश अल्पेश से लंबा है किंतु धर्मेंद्र से छोटा है, सुरेश राजेश से छोटा है, हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है, रमेश धर्मेंद्र से लंबा है किंतु सुरेश से छोटा है। तो चलिए हम कोई भी एक पकड़ लें। कह रहा है योगेश अल्पेश से लंबा है किंतु धर्मेंद्र से छोटा है, मतलब तीन लोग, योगेश अल्पेश धर्मेंद्र। तो योगेश अल्पेश से लंबा है, मतलब योगेश, और योगेश अल्पेश से लंबा है, तो अल्पेश, तो अल्पेश से लंबा है लेकिन धर्मेंद्र से छोटा है, तो ये कौन हो गए, धर्मेंद्र हो गए, ठीक। पहली लाइन का हमने लिख लिया। फिर आगे क्या कह रहा है, सुरेश राजेश से छोटा है, सुरेश राजेश से छोटा है, इसमें कहीं सुरेश का हमने जिक्र नहीं किया तो छोड़ दीजिए, आगे चलिए। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब हरीश जो है वो अल्पेश से छोटा है, तो हरीश आपका यहां पर है। कह रहा है हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है, मतलब अल्पेश से छोटा है। आगे कह रहा है रमेश धर्मेंद्र से लंबा है किंतु सुरेश से छोटा है, सुनिएगा, रमेश धर्मेंद्र से लंबा है और किंतु सुरेश से छोटा है, तो रमेश धर्मेंद्र से लंबा है, अर्थात ये हो गया रमेश, रमेश धर्मेंद्र से लंबा है किंतु सुरेश से छोटा है, तो ये हो गए कौन, सुरेश। फिर अब देखिए बीच में हमने दूसरी लाइन छोड़ दी थी, उसमें था कि सुरेश राजेश से छोटा है, सुरेश राजेश से छोटा है, इसका मतलब कि यहां पर कौन है, यहां पर राजेश है। तो सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका हरीश है और सबसे लंबा आपका कौन है, राजेश है। तो ये चीज है, ये चीज है, पूरा हमने बता दिया। तो ऐसा प्रश्न इनइक्वालिटी में पूछा जाता है, मैक्सिमम प्रश्न सिंबल से बनते हैं और रेलवे में स्टेटमेंट के प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी प्राइज सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें हिस्सा जरूर लीजिएगा, और घर बैठे जीते आकर्षक उपहार, और आपके पास तक पहुंचेगा वो उपहार, और आपकी फोटो अगले दिन हमारे चैनल पर दिखाई जाएगी कि ये बच्चा जो है हमारे जो खेलो और जीतो प्रतियोगिता थी उसमें ये बच्चा पहला स्थान पाया और इसको दिया गया ये पुरस्कार, उसको जो है हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, 1 तारीख से आपकी सीरीज स्टार्ट होगी, तो 1 तारीख से हिस्सा जरूर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।